अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन मखनी की रेसिपी, जिसे बटर चिकन कहा जाता है, वो जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पर 2 kg चिकन, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी थी। चिकन को मैंने पाउंड कर लिया है, ताकि क्योंकि कुछ पीसेस बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो पाउंड करने से होगा कि जो सारे चिकन पीसेज हैं वो एक ही साइज़ में आप इजीली काट सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको बाइट साइज़ में काट लिया। सबसे पहले मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून जो है लेमन जूस ऐड कर लिया। इसकी मैरिनेशन कर लेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। साथ में मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट, जो है 1 tablespoon के करीब। अगर आप क्वान्टिटी कम कर रहे हैं तो आप 2 tastes डाल सकते हैं, 1 kg की भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है, जो है 1 tablespoon, और साथ में 2 tablespoon जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। बाकी चीज़ें मैं थोड़ा बाद में ऐड करती हूँ, आपकी मर्ज़ी। अगर आप चाहें तो बस इतनी सी चीज़ें डाल के भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया था। मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में मैं डालूँगी योगर्ट। योगर्ट तकरीबन ठीक योगर्ट है मेरे पास, तो मैंने 2-3 टेबलस्पून योगर्ट भी डाल दिया था। और फिर इसको मैंने 30-45 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, इवन लोग ओवरनाइट भी करते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, ताकि जितने भी मसाले हैं अच्छे से मैरिनेशन में रच बस जाएं चिकन के साथ। तो यहाँ पे मैं इसे हाथ से मिला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको साइड पर रख दूँगी। साइड पर नहीं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होता आपने इसको फ्रिज में रखना है, तो इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो खैर आप इसमें ऑरेंज कलर डाल सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज नहीं, डार्क येलो कलर था, जिसे मैंगो या जर्दी का कलर कहते हैं। जर्दी से थोड़ा डार्क था, वो ऐड कर लिया था, क्योंकि मैंने चाह रही थी कि इसमें थोड़ा सा जो बारबेक्यू होता है ना, उस तरह का अफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 2 tablespoon, और उसमें मैंने थोड़ा सा पीस डाल के चेक किया था। जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तब आपने पूरी चिकन को ऐसे इसमें स्प्रेड करके डाल देना है। ओवरलैप भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम इसे ढक के पकाएंगे तो चिकन डन हो ही जाएगी, क्योंकि पीसेस छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। और ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि आपने इतने पीसेस ही रखने हैं, अगर आप चाहें तो मीडियम साइज़ के पीसेस भी रख सकते हैं, इसे थोड़े बड़े भी। मैंने बाइट साइज में रखे थे, ताकि एक बाइट में एक ही जो चिकन की बोटी होती है वह हिस्सा से ईजी रहता है। यहाँ पे देखें जी, इसको बॉयल होने स्टार्ट हो गए, तो मैं इसे थोड़ा सा हिला लूँगी, एकदम से हिलाना भी नहीं था मैंने। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक दिया था ऐसे। उसके बाद जो है हम जो इसकी ग्रेवी होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जितनी चिकन ली थी उतने ही टोमेटोज लिए थे, और 200 ग्राम के करीब काजू लिए थे, साबुत लाल मिर्चें ली हैं, प्याज मैंने 2 large थे ना उन्हें चॉप कर लिया था, बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, बटर लिया है। बटर यहाँ पर आप इतना सा देख रहे हैं, बाद में मैं और भी लूँगी। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हैं, तकरीबन 2 tablespoon के करीब, क्योंकि डायरेक्ट मक्खन डालने से ये होता है कि बटर जो सा होता है आपका वो जल जाता है। तो बटर डाल दिया है मैंने, इसमें हम ऐड करेंगे अपने चॉप्ड ऑनियंस। चिकन जो है वो दूसरी साइड पे रेडी हो रहा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपकी चिकन रेडी हो जाती है, क्योंकि बोनलेस चिकन को रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे हम ऑनियन को सॉटे कर लेंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं होता है, बस आपने इसको थोड़ी सी देर के लाइक हार्डली 1-1.5 minutes के लिए ही सॉटे करना है। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको चिकन भी दिखा रही थी, देखें अच्छे से डन हो चुकी है। जिसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है वो भी एवेपोरेट हो जाएगा सारा का सारा, तो बहुत ही ज़बरदस्त से टिक्का टाइप चिकन आपकी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करने के बाद या सॉटे करने के बाद मैंने इसमें जो हमारी लाल मिर्चें थी, इलायची थी, ब्लैक इलायची थी, वो ऐड कर लिया। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर ना नहीं डालना चाहते तो। मैंने खैर बाद में निकाल ली थी, इसलिए होता है कि बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है, और बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप जो है ना वो टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जब थोड़ी सी देर उन चीज़ों को सॉटे किया, लाइक 30-40 seconds, तो मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया। अगर आप चाहें तो सब गार्लिक क्लोव्स भी डाल सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा था तो मैंने यही ऐड कर लिया। इसके बाद कैश्यूज़ जो हैं वो मेरे पास 200 grams से वो डाल लें, अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्रीमी सी जो कंसिस्टेंसी आती है ना, अगर वो कैश्यूज़ डालते हैं तो बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो इसे यहाँ पे फिर से हमने सॉटे कर लिया है अलग लाइक 40-45 seconds के लिए। और यहाँ से जो ब्लैक कार्डमम थी, बड़ी इलायची थी, वो मैंने निकाल ली, और इसमें टोमेटोज ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा रेड टोमेटोज यहाँ पे नहीं मिलते, ऑरेंज ऑरेंज से होते हैं, अगर रेड टोमेटोज हों तो क्या ही बात हो, बहुत ही अच्छा सा जो कलर होता है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टोमेटोज़ को और
बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से सॉटे करे थे, 10 से 15 मिनट हो गए थे टमाटोज़ को पकते हुए। यहाँ पर उसी साइड पे मैंने जो कोयले हैं उन्हें बना लेना है, रेड कर लेना है, सुर्ख कर लेना है पका पका के। तो उस पर फिर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, ताकि आप इसको ना वो जो बारबेक्यू अफेक्ट होता है, जो अरोमा होता है, वो जैसे कि इसको ढक दिया था मैंने और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के धुएँ निकले थे। जो हमारा यहाँ पर मिक्सचर था उसे हम ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा कि चलें इसे ग्राइंड करते हैं मिक्सर में या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे ना उतना ही अच्छा ये है कि आपकी जो क्रीमी सी कंसिस्टेंसी बनेगी बटर चिकन की, बहुत ही बटरी बटरी सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला स्ट्रेनर यूज़ किया था, बट मुझे फील हो रहा था कि शायद जो इसके होल्स हैं बड़े हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ईजीली स्ट्रेन तो इसमें हो गया था। क्योंकि जो दूसरा होता है जिससे जो चाय वाला पूना जिसे कहते हैं या पूनी कहते हैं, उससे थोड़ा सा मुश्किल था ये सब गुजरना, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। अगर आपके पास पहले से प्यूरी बनी हुई होगी ना तो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा ईजी। तो वैसे तो ये टाइम टेकिंग रेसिपी है, अगर आप प्यूरी पहले से बना के रखेंगे ना इजी हो जाएगा। तो खैर मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था, जो ब्लेंडर में भी बाकी था उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के हिला जुला के फिर वो भी मिक्स कर रहे थे। तो यहाँ पे बटर ले लिया हमने दोबारा से, इसमें हम डालें सॉल्ट डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन मैंने 1/2 टेबल स्पून थी, साथ में ज़ीरा डाला है और साथ में ही डाला है धनिया पाउडर। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ हिलाते जाना है ताकि जल ना जाए। ये जो है इसका थर्ड स्टेप है, फाइनल है, जब हम करेंगे असेंबली जो सॉस बनाया हम उसकी और चिकन की। तो इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। और आप ये कि रोज़ तो हर कोई नहीं बनाता ऐसी चीज़ें, बट जब कभी कभी बनाएं तो बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए सब मसाले जो है वो भून चुके हैं, 40-45 सेकेंड के लिए मैंने इन्हें भूना था। और जो हमारी जो टोमेटोज़ और अनियन और कैशूज़ का जो सॉस हमने रेडी किया, जो ग्रेवी हमने रेडी किया, तो उसमें डाल देते हैं। अब इसको पकाना शुरू करेंगे, इसको तकरीबन हमें पकाना पड़ता है 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और साथ में टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया मैंने। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो इट्स ओके, इसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाता है। इससे होता है कि थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और जो इसका कलर है वो अच्छा से निकल आता है, क्योंकि हमारे पास रेड टोमेटोज़ नहीं थे इस वजह से। एनीवेज इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसमें ऐड कर लेंगे अपनी चिकन जिसे हमने टिक्के बना के रखा हुआ था। तो चिकन इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सिमर करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, यानी कि 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे फिर अच्छे से पकाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने ऐड कर ली है फुल फैट क्रीम है। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मलाई यूज़ कर सकते हैं, थिक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, डबल थिक क्रीम, व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने यहाँ पर ये कुकिंग क्रीम यूज़ की है। तो कुकिंग क्रीम, बटर और जो मेथी है वो हमारा लास्ट स्टेप होता है, हमें इसमें ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे देखें जी बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है। और बस क्रीम को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बना मिक्स करना है और उसको पकने देना है। उसके बाद जो इसका लास्ट इंग्रेडिएंट रहता है वो मेथी, उसे हाथों से क्रश करके आप तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यही पेंड होती है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान, अल्लाह हाफिज़।